नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को महाराष्ट्र के भंडारा में थे। वे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान गडकरी ने एक पुराना किस्सा सुनाया। गडकरी ने दिवंगत कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर की सलाह को याद करते हुए कहा, एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि आप अच्छे पार्टी कार्यकर्ता और नेता है, अगर आप कांग्रेस में शामिल होते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैंने उनसे कहा, मैं कांग्रेस में शामिल होने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा। मुझे भाजपा और उसकी विचारधारा पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी पार्टी के लिए आजीवन काम करता रहूंगा। गडकरी ने दावा किया कि वे देश में भाजपा सरकार ने पिछले 9 सालों में कांग्रेस के 60 सालों के शासन की तुलना में दोगुना काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि आरएसएस के छात्र संघ एबीवीपी ने शुरुआती दिनों में मेरी मदद की। संगठन ने मेरे जीवन में कई वैल्यू और सिद्धांत जोड़े। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 60 सालों के शासन में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए पीएम मोदी के अप्रोच की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। उन्होंने कुछ दिन पहले किए गए अपने उत्तर प्रदेश के दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैंने यूपी के लोगों से 2024 के अंत तक सड़कें अमेरिका जैसी करने की बात कही है।